पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, काले धब्बे, झाइयाँ, ये सब अपने चेहरे से कैसे हटाएं, इनके ऊपर आज का ये वीडियो है। मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी वजह से काले दाग, धब्बे, झाइयाँ और पिगमेंटेशन यानी कि जो मेलेनिन प्रोडक्शन होता है हमारे स्किन के ऊपर, ये सब कम हो जाएगा धीरे धीरे। और इस वीडियो में मैं आज पिगमेंटेशन को हटाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ पोटैटो यानी कि आलू। और इस आलू को हम अलग अलग तरीके से यूज़ करने वाले हैं पिगमेंटेशन को हटाने के लिए, तो देखते हैं कैसे। मेलेनिन प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से पिगमेंटेशन होता है, डार्क स्पॉट्स होते हैं। आलू में एक ऐसा एंजाइम रहता है जिसकी वजह से मेलेनिन प्रोडक्शन कम होता है, और नेचुरली अगर हम इसको यूज़ करेंगे अपने स्किन के ऊपर तो पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स, झाइयाँ, ये कम हो जाती हैं। आलू को किस हिसाब से हमें यूज़ करना है अपने स्किन के ऊपर, चलिए एक पहला मेथड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रेमेडी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है जो आप कभी भी कर सकते हैं। आलू को आधा काट लेने के बाद में इसे इस तरीके से प्रिक करिए एक नाइफ के सहारे से, ताकि इसका जो नेचुरल जूस है वो निकल सके, और इसके बाद में अपने क्लीन फेस के ऊपर इस जूस को इस तरीके से लगाइए। हाथ बहुत ही हल्का होना चाहिए, अपने स्किन के ऊपर रगड़ना नहीं है, और जिस जिस एरिया में थोड़े डार्क स्पॉट्स ज़्यादा होंगे उस एरिया में इसको ज़्यादा लगाइए। अगर लगे कि जूस ख़त्म हो गया है तो आलू को फिर से आप इस तरीके से प्रिक करिए और इसमें से फिर से पोटैटो जूस निकलेगा, और जहाँ पे भी आपको ये फिर से लगाना है आप उस एरिया पे फिर से इसको आलू को रब कर सकते हैं। ये मेथड बहुत ही ईजी और इफ़ेक्टिव है, इसको ट्राई आउट ज़रूर करिएगा। पोटैटो का जो जूस रहता है बहुत अच्छा रहता है हमारे स्किन के लिए। यहाँ पे मैं आलू को कद्दूकस कर लेने वाली हूँ और इसका जो जूस है वो स्क्वीज़ आउट कर लूँगी, और इस जूस को हम लोग डायरेक्टली भी लगा सकते हैं अपने स्किन के ऊपर या फिर इन दो तरीकों से भी लगा सकते हैं। जो पहला तरीका है तो उसमें जितना भी आलू का जूस है उतनी क्वांटिटी में ही हमको लेमन जूस इसमें मिक्स कर लेना है। इसको स्टर करने के बाद में अपनी क्लीन स्किन के ऊपर रुई से इसको लगा लेना है। सेकेंड मेथड में हम लोग यूज़ करेंगे गुलाब जल, क्योंकि कई लोगों को नींबू का जूस नहीं सूट करता है, जिनकी स्किन सेंसिटिव होते हैं या फिर रैशेज आ जाते हैं उनके लिए आप गुलाब जल ले सकते हैं। गुलाब जल और पोटैटो का जूस एक रेशो में ले लीजिए, या फिर गुलाब जल थोड़ा कम रेशो में भी चलेगा। लेमन और गुलाब जल दोनों में ही स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। लेमन में विटामिन सी है और प्लस ब्लीच भी है, जिसकी वजह से आपके जो डार्कनिंग है स्किन एरिया में वो कम हो जाती है। दिन में करीबन आप दो बार इस मिक्सचर को अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपके डार्क सर्कल्स ज़्यादा होंगे तो आप वहाँ पे भी इस मिक्सचर को लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि अगर आपने नींबू डाला है तो आप अपने आँखों से थोड़े दूर इसको लगाइए। इस मिक्सचर को लगाने के बाद करीबन 5 से 10 मिनट इसको अपने फेस के ऊपर छोड़ दीजिए, और इस तरीके से फैनिंग मूवमेंट में आप इसको थोड़ा सा जल्दी से सुखा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में हमें एक और लेयर लगानी है इस मिक्सचर की अपने फेस के ऊपर। सेकेंड टाइम जब आप लगा लेते हैं इसको भी सूखने दीजिए, और सूख जाने के बाद में इसे नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। धो लेने के बाद में आप एक टोनर लगाइए और अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर लीजिए। थर्ड रेमेडी में हम लोग एक पैक बनाने वाले हैं। मसूर दाल ले लीजिए और इसको पीस लीजिए मिक्सर में, और महीन इसको छान लीजिए ताकि ये बहुत ज़्यादा ग्रैनुलर ना रहे, आपके स्किन पे भी सॉफ्ट रहे। इस तरीके का ये पाउडर रेडी हो जाएगा जब हम मसूर दाल को ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। उसके बाद में हमें इसमें ऐड करना है शहद और पोटैटो जूस। मसूर दाल एक स्किन लाइटनिंग एजेंट है, और साथ में ही ये नेचुरल ग्लो देता है आपके स्किन के ऊपर, क्योंकि ये आपकी डेड स्किन को भी हटा देता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट, सिल्की और एक ग्लोई बन जाती है। इस मिक्सचर का थिक पेस्ट जब बन जाए इसको अपने क्लीन फेस के ऊपर लगा लीजिए। इसको भी आप करीबन 10 से 15 मिनट अपने स्किन के ऊपर रखिए, और फिर उसके बाद में नॉर्मल ल्यूकवर्म वाटर से धो लीजिए। पिगमेंटेशन जहाँ पे ज़्यादा हो यानी कि माउथ के आसपास या फिर फोरहेड के पास में, जहाँ पे भी ज़्यादा डार्क एरिया हो वहाँ पे आप इस पैक के थिक लेयर लगाएंगे। सिर्फ फेस पे ही लगाने के बजाय आप इसको नेक एरिया पे, अंडर आर्म्स पे, एल्बोज पे, जहाँ पे भी डार्क एरिया ज़्यादा हो वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हैं। एक और टिप दूंगी कि जो भी मसूर की दाल होगी वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप पीस के रख लीजिए, और इसको एयर टाइट कंटेनर में या फिर इस तरीके की डिब्बी में अच्छे से पैक करके रख लीजिए, ताकि आप इसे एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकें।
फेस पैक जब तक सूखता है तब तक मैं क्या करती हूँ, तब तक मैं सोशल मीडिया पे आ जाती हूँ, यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। फॉलो नहीं किया होगा तो ज़रूर से कर लेना। तो गाइज़ कैसे लगे ये ट्रीटमेंट ज़रूर मुझे बताइएगा। यहाँ पे मैंने फेस पैक हटा दिया है, ऑलरेडी मेरी स्किन पे ऊपर काफ़ी ग्लो और सॉफ्टनेस आ गई है, आप देख सकते हैं। और जब भी आप फेस पैक हटा दें उसके बाद में आप गुलाब जल या फिर कोई टोनर जो आपका फेवरेट हो उससे अपनी स्किन को सूद आउट कर लीजिए। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स आप कैसे पोटैटो को यूज़ करके हटा सकते हैं, और भी ट्रीटमेंट्स हैं जिनके थ्रू आप पिगमेंटेशन हटा सकते हैं, वो मैं अगले वीडियोस में आपके साथ में शेयर करूँगी। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, ट्रीटमेंट पसंद आए होंगे, तो ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा नीचे, और मेरे अगले वीडियो आने तक मेरा इंतज़ार करिएगा। और टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, बाय बाय, टेक केयर।